दोस्तों कैसे आपका स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल शिवम कुमार पर। दोस्तों अभी मैं बिहार से लक्ष्मण पर हूँ और आज मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ बिहार शिव से राजगीर तक का। तो चलिए हमारी ट्रेन जो है वो आज दानापुर तिलैया पैसेंजर है और वो कुछ देर में बिहार से स्टेशन पर पहुँचने वाली है। तो जैसी ट्रेन आती है उसके बाद हम आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। हमने हमारी जो है गया बख्तियारपुर पैसेंजर ट्रेन आकर लग चुकी है और इधर से हमारी जो है दानापुर तिलैया पैसेंजर जो है वो आ रही है। मतलब अब कुछ देर में आपको दिख जाएगी, मैं आपको उसका लुक दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आगे हमारी दानापुर तिलैया पैसेंजर बिहारी जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खूबसूरत इंजन के साथ बैग 9 SC। हम लोग अब अपने दानापुर तिलैया पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ चुके हैं और हमारी ट्रेन को सिग्नल हो चुका है और अब यह खुलने के लिए तैयार। सो दोस्तों हमारी ट्रेन ने बिहार से जंक्शन को डिपार्ट कर दिया है। सो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं अभी दीपावली तो जा चुकी है, अब छठ का माहौल है। तो जैसा कि दोस्तों लोग छठ के फेस्टिवल के लिए अपने अपने घर लोग जा रहे हैं और छठ के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे और हमारी ट्रेन इसी के साथ पिकअप पकड़ते हुए बिहार से जंक्शन को स्किप कर रही है। देख सकते हैं हमारी ट्रेन फुल पिकअप में आ चुकी है। हमारी ट्रेन जो है अभी पावरपुर स्टेशन पर रुकी हुई है और कुछ देर में पावरपुर स्टेशन को डिपार्ट कर देगी। अभी सिग्नल नहीं मिला इसे, जैसे सिग्नल मिल जाएगा ट्रेन खुल जाएगी तो मैं आपको पावरपुर स्टेशन का डिपार्चर दिखाऊंगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने से आ रही है चीरते हुए मालगाड़ी फुल स्पीड में और उसी के कारण इस दानापुर तिलैया पैसेंजर ट्रेन को जिसको अभी हम बोर्ड कर रहे हैं उसको रोक दिया गया है। तो देख सकते हैं हमारी मालगाड़ी लगातार हॉर्न बजाती हुई आ रही है और ये अभी चीते हुए पावरपुर स्टेशन को निकलेगी। देखिए ए भाई मुड़ी अंडा कर ले भाई। हमारी ट्रेन नालंदा स्टेशन पहुंचते हुए जो कि बिहार की सबसे खास डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा नालंदा, यही हमारा वर्ल्ड फेमस नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन सरकार इधर आने के लिए टूरिस्ट लोगों के आने के लिए घूमने के लिए ट्रेन का कोई इंतजाम नहीं करती, बस जो 3-4 ट्रेन चल रहे हैं वो चल रहे हैं और नया कोई भी ट्रेन नहीं दे रहा सरकार को। इसलिए भारतीय रेलवे से विनती है कि किसी और नए ट्रेन देने का विचार करें और कष्ट करें। और दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है नालंदा स्टेशन की खूबसूरती। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ट्रेन जो है वो अब नालंदा स्टेशन से डिपार्ट हो चुकी है। बाय बाय नालंदा।
तिलैया पैसेंजर स्टेशन सिलावट स्टेशन पहुँचते हुए। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो है सिलावट स्टेशन पहुँच चुकी है। और दोस्तों इसी साथ हमारी ट्रेन ने सिलावट स्टेशन को डिपार्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है हमारा सिलावट स्टेशन। दोस्तों इसी के साथ हमारी ट्रेन जो है वो राजगीर स्टेशन अराइव कर चुकी है और हमारा ब्लॉगिंग जो था बस यहीं तक का था। तो आपको पूरा ब्लॉगिंग कैसा लगा शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को और जितना हो सके उतना लाइक सब्सक्राइब ठोकिए और कमेंट करिए। जय हिंद जय भारत। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलना भी है।